तो आप सभी का स्वागत है एल्डन रिंग पार्ट नंबर 51 में। तो यार आज काफी चीजें करेंगे, तो जो मैंने उसकी पूरी लिस्ट बना रखी है, तो सबसे पहले चलते हैं राउंड टेबल होल्ड में। अब जब डी मरा था तो उसकी हमें एक बेल मिली थी जो मुझे याद नहीं था पहले, तो पहले लेंगे और उस बेल को ऑफर करेंगे उस बिच के पास, ताकि अब हमें कुछ नए आइटम्स वगैरह मिले फ्री में। फ्री में नहीं, अनलिमिटेड आइटम्स मिले। ये कुछ भी कहो, ये सिस्टम बहुत ज्यादा प्यारा लगा मेरे को, जिससे हम बेल ऑफर करके लिटरली अनलिमिटेड अमाउंट का। ओ बेल बियरिंग शॉप 1। ओके हमारे पास और नहीं है, अब देखते हैं क्या चीज है। ओके सो ये बड़ी बड़ी आइटम्स लग रही है मेरे को। एक सेकेंड, इसका मतलब ये है बेल बियरिंग शॉप वो है जो अनलिमिटेड नहीं है, जैसे कि ये ऑलरेडी हम ले चुके हैं। तो अगर कोई एनपीसीज वगैरह जिनके ऐसे होंगे जो हमें बेल्स देंगे, तो हम ये उनसे ले सकते हैं, और इसके उनके मरने के बाद भी हम इनको इस्तेमाल इनको खरीद सकते हैं। लेकिन क्या इसमें परचेज में कोई बेनिफिट आया हमें, सबसे बड़ी बात वो है, क्योंकि हम उसके लिए कर रहे थे सारा और लिटरली कोई बेनिफिट नहीं आया। मैं ऐसे ही खुश हो रहा था कि बहुत बड़ी चीज़ होगी। ओके एक बार आप देखते सारे के सारे एनपीसीज वगैरह से भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। I asked you not to be thankful of that. It is all that keeps your death. यहाँ पे अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो एक बार बाकी सारे एनपीसी से भी बात कर लेते हैं। ये भाई साहब शांति रहेंगे। ओके यहाँ पे अभी कुछ नहीं होना। ये इसके सर्वेंट मर चुका है, उसका यहाँ पर आ गया है, अब देखते क्या होता है। Ah, you again, is it? The recusants sent a lackey. Can you believe they invited me to join them? Now, after what they did, I can scarcely believe it myself. Did they think me a fool? You might be surprised to learn I took them up on the offer. Then I only had to ask. The location of the recusant hideout. It's on Mount Gelmir, found off the old road that leads west from the town of Windmills. That's where they hide. The manor on the peak. Just you wait, wretched recusants. You'll rue the day you insulted my name by laying hands on Lanya. The tale of House Hoslow is told in blood, after all. ओके सो जिस ग्रुप ने लानिया को मारा था वो ग्रुप इसके पास आए थे, उसने कहा था कि हम उसको ज्वाइन करने के लिए, लेकिन इसको ऑलरेडी पता था कि लानिया मर चुकी है। तो फिर और शायद से, या तो उनको नहीं पता था कि लानिया इसके साथ ही थी, तो फिर अब इन्होंने लोकेशन बताई है उस हाइड आउट की जहाँ पे वो है रिक्यूसेट्स वगैरह जो मारते हैं, जिसने लानिया को मारा था, और ये उनसे अब जाके मिलेगा, बदला लेगा। लोकेशन पता तो कर ही चुका है। It's on Mount Gelmir, found off the old road that leads west from the town of Windmills. That's where they hide. The manor on the peak. Just you wait, wretched recusants. शायद से अभी और बात नहीं हो सकती। अब धीरे धीरे ना एनपीसी बहुत ज्यादा कम होते जा रहे हैं इस एरिया में। यहाँ कोई नहीं है। Always, son. चलते आगे। यहाँ पे टू फिंगर्स है। एक सेकेंड, वही तो जाना था। अरे यार spirit. I can hear it from across the hound. You should keep your... I know you...
यहाँ पे अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं अगर मैं सही हूँ तो। और इधर बात करते हैं। Well, I took you for no matter. Lay out your arms then. यहाँ पे भी कुछ नहीं कर सकते, एक बार ये चेक कर लेते हैं। नहीं है यहाँ पे हमारे पास कुछ, अब इधर चेक कर लेते हैं। काशी आर्मा वगैरह मैं क्यूब कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं लगता ये बिल्कुल सेम, ऑलमोस्ट सेम ही आर्मर है लगता है ना देख के? ये थोड़ा सा ज़्यादा बल्कियर है जो उधर है, थोड़ा सा बल्कियर है लेकिन वैसे ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है देख के। और ये वाला आर्मर, ये शायद उसी की कॉपी है, नहीं थोड़ा सा डिफरेंट है ये भी। खैर जो भी, हम आगे बढ़ते हैं। या फिर एक एरिया होना चाहिए यहाँ पे जहाँ पे हम ऐसे अपने जितने जो भी हमें आर्मर्स वगैरह मिल चुके हैं वो आराम से डिस्प्ले कर सके बढ़िया तरीके से, तो अलग फील आती है यार। ये अभी भी बंद है, ये एरिया है क्यों? एक बार ये आखिरी चीज चेक कर लेते हैं, यहाँ पे तो कुछ और नहीं आया ना, वैसे तो नहीं आया होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक वो था, चेस्ट थे और कुछ नहीं थे। बंदा वहां ऊपर तक कैसे पहुंचा? ओके मुझे सही में जानने है बंदा पहुंचा कैसे वहां ऊपर तक। खैर जो भी हो, अब हम अगला काम करते हैं, यहाँ चलते हैं। याद हो तुम्हें हमने यहाँ पे अलेक्जेंडर दी आयरन फिस्ट की मदद की थी, लेकिन उसके बाद हम बॉस को नहीं हरा पाए थे। अब मेरे ख्याल से हम काफी ज्यादा बल का पहुंच चुके हैं, हमारी काफी ज्यादा इम्यूनिटी वगैरह बढ़ चुकी है, तो हम शायद से हरा सकते हैं उसको, बॉस को हरा सकते हैं शायद से। तो बॉस जी थे ये रहे, पहले मैग्मा ब्राउन, मेरे ख्याल से ये मैग्मा ड्रैगन जितना मुश्किल तो नहीं होगा। मैग्मा ड्रैगन जो था ना बंदा मकार, भाई ये इसके अंदर क्यों घूम रहा है? इतना मुश्किल नहीं है। जाने दे, बढ़िया डैमेज देखो। अलग लेवल की फाइट होती है अगर ये पग इस्तेमाल करता अपने को। तो
गया। टू, ये देखा जाए हमने ड्रैगन हार्ट, एक और ड्रैगन हार्ट। कितने ड्रैगन हार्ट है? एक सेकेंड, मून वेल। अब कंफ्यूजन है मेरे को, इसका मतलब सिर्फ तीन ड्रैगन्स नहीं थे और शायद सिर्फ एक ड्रैगन कम्युनियन चर्च नहीं है, और भी ड्रैगन कम्युनियन चर्चेस एग्जिस्ट करती है जहाँ पे हम अलग अलग ड्रैगन पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ तीन ही ड्रैगन पावर्स नहीं है, ये अब कंफर्म हो चुका है, क्योंकि हमारे पास एक ड्रैगन हार्ट आया है जो जनरली एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब हम एक बड़े का काम करेंगे, हम अब लिमग्रिफ को ख़त्म करेंगे। लिमग्रिफ में हमने जो चीज़ छोड़ी थी और वो थी फ्रेंच फोक हीरोज ग्रेव। जी हाँ, अब हम खेलेंगे, कंप्लीट करेंगे फ्रेंच फोक हीरोज ग्रेव। लास्ट टाइम क्या प्रॉब्लम थी? ये प्रॉब्लम थी कि हम एक बार में मर रहे थे। अब मैंने चेक किया है, हम एक बार में नहीं मर रहे। अब चाहे हम वो हमें कुचल भी क्यों ना दे, हम नहीं मरेंगे। दो बार में भी नहीं मरेंगे, तीन बार में मरेंगे। और इतनी देर में हमारे पास इतना टाइम हो गया, हम हील अप कर लें। तो उससे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ एक दो चीज़, एक हल्का सा चेंज करना है। सो फ्लास्क एलोकेट फ्लास्क चार्ज, ये ऐड कर देंगे बस, और कुछ इतना काफ़ी है। हमारी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा है कि जब तक हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं तब तक हम कोई इशू ही नहीं है। उस टाइम पे क्या था, इम्यूनिटी का इशू था, स्पीड का इशू नहीं था। मैं आराम से देखो पहुँच गया, मेरे को इशू ही नहीं हुआ, मैं पॉइजन भी नहीं हुआ। आज कैसी बढ़ते आगे, मैं तुमको अभी मर के नहीं दिखाऊंगा कि कैसे मर सकते हैं, वो बात का काम है। ओके, पहले एक बार इसको इस तरफ आने दो, फिर भागना शुरू करेंगे। अब रुकना ही नहीं है। ये डंजन आपका अर्ली गेम था ही नहीं कभी। बाद में ना एक भी ट्राई करेंगे, यहाँ पे हम गिर सकते हैं क्या? आ गया आ गया। अब ये देखो, इसे मेरे को कुछ है, लेकिन इतनी 50% से हल्की सी ज्यादा हेल्थ है हमारे पास। आराम से हम मार सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि हमें इसको लिटरली मरते चले जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ, क्योंकि हमें हेल्थ बचा के रखती है थोड़ी बहुत। चलते हैं। ट्रायल योरिंग आउट देखते हैं। अब दौड़ते हैं। कैसा सोचा था फ्रेंच फोक हीरोज ग्रेव जिसने हमारी वाट लगा के रखी थी, वो इतना आसान निकलेगा।
किसने सोचा था। चलो जी अब इस तरह से ड्रैगन कम्युनियन सील। ओके ड्रैगन बाउंड ग्रीस। तो एक बार चेक करते सील का क्या काम है। ये रे सील, हमें आर्केन चाहिए इसके लिए। सो आर्केन चाहिए 10। ड्रैगन कम्युनियन इंकैंटेशंस को बूस्ट करता है, लेकिन हम ड्रैगन कम्युनियन इंकैंटेशंस अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हमें फर्क नहीं पड़ता इतना। अब नीचे के एरिया में चलते हैं। पहले यहां साइड में जाके इंतजार करेंगे। अब दौड़ते तो वहां से नहीं 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 बच गए। एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा उठा हुआ है एरिया। ये इतना आगे क्यों है। मैसेज ग्रेव क्लब पॉट 1। ग्रेव क्लब पॉट की अभी इतनी कोई हमें जरूरत ही नहीं। ओह दो बार तो मरने से बचे। फाइनली ये टाइम आ चुका है। ओ ये तो हम शायद उससे स्टॉमे गैस में भी लड़ चुके हैं, लेकिन ये अर्ली गेम में तो बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, हम कभी कर ही नहीं पाते थे। मूवमेंट है थोड़ी सी इजा करते हैं। ओ गया। अनसिरेटेड ट्री स्पिरिट नाम से गोल्डन सीड मिला हमें। बैनिश्ड नाइट ओल है तो अभी ये इतना ज्यादा मुश्किल डेंजर था क्योंकि यहाँ पे गोल्डन सीड है। बैनिश नाइट ऑलेट। ओके एक सेकेंड, हमारे पास ऑलरेडी नहीं था बैनिश नाइट ऑलेट। अच्छा एज वॉल था वो और ये ओलेग है, शायद सेम ही लेवल पे दोनों। अगर इसके पास दो स्वॉर्ड्स है तो शायद इसका डैमेज ज़्यादा होगा। ये दोनों एक साथ ही है।
वन ऑफ द टू नाइट्स है, दोनों बेसिकली पेयर्स है, देखो विंग्स ऑफ द स्टॉर्म के पेयर्स है दोनों, ओलेग एंड एंजुअल। तो बेसिकली जो हमने बैनिश नाइट सेट पहने ये दोनों बैनिश नाइट्स हैं, एक के हाथ में ये है बैनिश्ड हेलबर्ट विंड हेलबर्ट और एक के हाथ में विंड सॉर्ड। सो इसने रिजेक्ट कर दिया था इन्विटेशन और इसने 100 ट्रेटर्स ऑफ द लॉर्ड्स लैंड सेलेक्ट हीरोज ऑनर ऑफ फर्ट्री बैरियर बरियल एंड मास्टरलेस कैसल फॉर मैनी ईयर्स हीरो ऑफ रेंजेस। हर एक ही है, देखो लिस्ट है पूरी। ओके स्टार्टिंग से चालू करते हैं, फिर पॉज कर करके पढ़ लेना सारा। काफी ज्यादा लोअर इंफॉर्मेशन है यहाँ पे देखा जाए तो। हमारे पास 23,000 रूम्स है जिसका हमें कोई आइडिया नहीं हमें क्या करना चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ और छुपा हुआ। यहाँ पे और कुछ नहीं है। सो बेसिकली मैं राउंड टेबल होल पे हर एनपीसी से बात कर चुके हैं। उसके अलावा हमने वहाँ पे वो मैग्मा बम को हरा दिया है, फिर हमने डी की बैल का भी इस्तेमाल कर लिया है और हमने फिंच फॉक हीरोज ग्रिफ को कंप्लीट कर लिया है फाइनली। और इसी के साथ लिम ग्रिफ हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ये ड्रैगन कम्युनियन भी पूरा हो चुका है। सो ये पूरा एरिया हमारे किसी काम का नहीं है। अब यहाँ पूरा केलेट का एरिया होगा और यहाँ पे वेस्ट लूनेरिया का एरिया होगा। तो सबसे पहले चलते हैं इस जगह पे और अब फाइनली, क्योंकि अब हमारा इस लूनेरिया पूरा हो चुका है, देखा जाए टेक्निकली पूरा हो चुका है, थोड़ी बहुत चीज़ें बची जो भी हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और ये नॉर्दर्न लूनेरिया का जो पूरा बीच का हिस्सा है यहाँ पे भी अब कुछ और एक्स्ट्रा बचा नहीं है जिसके लिए हम कुछ स्पेशल करें। उसके अलावा जो एनपीसी मैं पिछले वीडियो के अंदर ढूंढ रहा था वो अपेरेंटली आपको जब यहाँ पे है वो एनपीसी, लेकिन वो नीचे नहीं है वो ऊपर है। तो फिर ये जो हम गेट खोल लेंगे साउथ एरिया लुकारियन गेट खोल लेंगे तो उसके बाद हम इस जगह को एक्सेस कर सकते हैं और फिर वहाँ पे एनपीसी मिलेगा। अभी हम कुछ नहीं कर सकते उस बारे में। तो अब हमारा मेन गोल है ये चेक करने का कि हम ऊपर जाके मैप फ्रैगमेंट ला सकते हैं कि नहीं, और मैं कहाँ से ला सकते हैं क्योंकि मुझे रास्ता दिख रहा है, तो मैं शायद मैप फ्रैगमेंट भी दिख रहा है। पहले यहाँ चलते हैं, फ्री की चीज़ों को कभी मना नहीं करना चाहिए। यार बहुत ज़्यादा नॉइज़ है। गोल्डन रूम 6 ये फिर आगे परेशान कर। तो बहुत ज्यादा अनोइंग है वहां वाले के चलते बने।
अगले वाले पे चलते हैं। Google Stones अरे भाई साहब ये क्या कर दिया। ओ पीछे ही पड़ गए थे। वो करने से पहले एक बार देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये भी अलग से कोई बड़ा एरिया लगता है देखते हैं। नीचे गिर गया क्या घूमते घूमते। सो एलिबॉनिक ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट। इधर टाइम लगेगा थोड़ा सा तो उस साइड चल के देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है। मुझे लग ऐसे क्यों लग रहा है कि ये इसमें इधर कुछ नहीं मिलेगा। जो कह रहा था थोड़ा सा पीछे चलते हो। काफी मार दिया एक बार। पूरा एरिया है क्यों उस ड्रॉप की वजह से। नहीं वो तो अभी ड्रॉप हुआ है। गोल्ड फैंक दो क्या लिटरली मैंने इतनी मेहनत की है गोल्ड फैंक के लिए। कुछ भी कहो इससे हमारे काफी ज्यादा न्यूट्रलाइजिंग बोनसेस बच गए। सो अब आगे बढ़ते हैं इस तरफ।
ओके पहले साइट ऑफ ग्रेस पे चलते हैं, यहाँ पे कोई एम्बुश वगैरह हो तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे। देखा जाएगा साइट ऑफ ग्रेस, ये यहाँ पे आ गई, ये फिर ऐसे होगा, उसके बाद ये ग्रैंड लिफ्ट ऑफ डेक्टस, यहाँ पे है ये वाला, ये है इस साइड, फिर इस साइड, ठीक है, ये साथ तो इसको पार कर रहे हैं। हाँ देखा जाए तो हमने सारे साइड ऑफ ग्रेसेस कर ली थी, मतलब बेसिकली जो ये पाथ दिखाते हैं ये हमने ऑलरेडी सारे कर लिए थे, अब तैयार होकर चलेंगे बाय चांस कोई एम्बुश वगैरह हुआ तो। लगता तो नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं लग रहा। सामने एक वो स्ट्रक्चर है, वहाँ पे भी चलते हैं। ओह ल्यूनेरिया वेस्ट, ल्यूनेरिया वेस्ट, ओके। अब मैप फ्रैगमेंट हैज बीन फाउंड, ये पूरा एरिया बड़ा वाला, तो ये भी शायद से कोई एक बड़ा डंजन होगा वो रहा ऊपर। उसके बाद जो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये कुछ है यहाँ पे, और वो है आपका टावर और रिया लुकारिया, अकेडमी ऑफ रिया लुकारिया। अब ये चलते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टेक ऑफ मारे गए तो हम यहाँ पे शायद से, ओके ये रून्स हैं तो यहाँ पे अभी हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अब चलते आगे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और साथ वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। तो मेन तो मेरे को देखना है यहाँ पे नीचे क्या है, नीचे का इतना बड़ा एरिया जो दिख रहा है हमें, भाई साहब ये शुरू होता है यहाँ से, ये पूरा एरिया। क्वेश्चन ये है कि ये ऐसे ही बना दिया गया है या फिर इसका कोई सिग्निफिकेंस है। एक सेकंड, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है पानी के नीचे, नहीं पानी के नीचे नहीं, शायद पहाड़ी इलाके, तो ये पहाड़ एक्सटेंड हो रहे हैं, नीचे जा रही है पहाड़, ये देख रहे हो, तो शायद से ये एरिया हम एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि हम लिटरली नीचे पानी में गिर जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, कोई सेट ऑफ ग्रेस मिल जाए तो और भी बढ़िया, अगर कोई सेट ऑफ ग्रेस मिल जाए तो। अरे ये भाई साहब, ओके सो गोल्डन रून, गोल्डन स्टोन, नॉट स्पॉन्स, आ रहा है वो, चलो करते हैं हमला। कुछ भी कॉस्ट चांस पर करने के लिए, खासकर ये घोड़े की बहुत ही सही वेपन है। देखा कोई बेनिफिट हुआ, नहीं हुआ। ओ कैरेज भाई साहब, सॉरी ब्लैक कैवेलरी नाम तो शायद से, नंबर
नंबर से आगे हमारी भी अभी भी बैंड बचती है, लेकिन हमारे पास ये जो स्वॉर्ड है ये लिटरली बहुत ज़्यादा इसका यहाँ पे थोड़ा सा और बचे। ओके, शायद से और कोई नहीं है। ओह, तबाही मचा दी। वहाँ पे कैंप है। देखना है ये कितने डिफिकल्ट है, मानो तो मैं कितने 1300, ये हल्के से अपग्रेडेड है। इसके 30,000 क्योंकि हमारी कोई एनपीसी वगैरह मिल जाए जिधर हम सब कुछ कह सके चीज़ें, तो बढ़िया चीज़ हो जाएगी। वैसे एनपीसी वगैरह इस जगह पे होंगे, ढूंढने की ज़रूरत है बस। कैरियन नाइट स्वॉर्ड, ओके। उसी के अलावा यहाँ पे साइड वाले में कुछ ऐसे एरिया है साइड में, ये चेक कर लेते हैं। सॉम्बस मेजिक स्टोन 3, ओ सो ग्रे पैलेट्स वगैरह मिले थोड़े बहुत। हाथ के हाथी इस मर्सिनरी कैंप को भी हरा ही देते हैं और शायद वीडियो को ख़त्म करेंगे। ओके, ऊपर वो है तो पहले देखते ऊपर कैसे चलेंगे। यहाँ से ऊपर कैसे जाएंगे भाई, इस साइड से। तो इस साइड है वो। अरे भाई ब्लड वगैरह चीज है। रियल लुकारियन हेल्म, सो एल्बिनोरिक ब्लड कॉर्ड, इसका फायदा क्या है देखना पड़ेगा। ये बेसिकली एल्बिनोरिक रेस जो है उससे रिलेटेड है। ओ ये भाई साहब,
अटक गया मैं। वो क्यों नहीं अटका? क्योंकि वो एनपीसी है यार। ये गलत है, बहुत ज्यादा गलत है ये चीज। एक पेड़ की वजह से हार गया मैं। ये पेड़ों की वजह से। ओके, अब हम क्या कर रहे थे? हम जा रहे थे इस साइड। इतना बेवकूफ तो नहीं, तीसरा सोर्स छोड़ दूंगा और वो कैंप भी पूरा करूंगा। फिर उसके बाद वीडियो खत्म करेंगे। साइड से निकलते हैं। पहले ऊपर के साइड जाएंगे। मेन फोकस है सोल्स वापस लाना, रून्स वापस लाना। ओ हो गया। अब चलते उस साइड। भागो यहां से। एक गया, एक और गया। मैंने अभी नोटिस किया यहां पे एक स्पिरिट मॉन्यूमेंट है। बुलाते अपने साथी को। यहाँ पे एक और है, स्मिथिंग स्टोन 4। और कुछ तो नहीं छुपा हुआ। यहाँ से नीचे उतरते हैं और इस हिस्से को भी खत्म करते हैं। पहले चलते हैं कुत्ते के पास। ग्लिनस्टोन 10। ओके, कुछ भी कहो, यूटेल बड़ा सही चीज है। बहुत ही कम ऐसे होंगे जो इसको अच्छा नहीं माने। चेक करते चलो कुछ रहते।
साथ ये एरिया पूरा होता है। अब ये चेक करना कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है और कुछ नहीं रह गया। ऊपर चलते ऊपर एक साइड ऑफ ब्रिज जरूर होगी तो एटलीस्ट हमें बार बार इस कैंप में आके लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी। ओ यहाँ पे एक जाइंट है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं है। मेन ऑब्जेक्टिव है इस टाइम पे एक साइड ऑफ ब्रिज ढूंढना। इस जाइंट को आगे करना। हेडलेस जाइंट, हेडलेस नाइट जाइंट। ट्रोल नाइट स्वॉर्ड, सो बेसिकली नाम ही इसका ट्रोल नाइट है। अब हमें किधर जाना है? यहां से। ओ एक और ट्रोल नाइट। लगता है पहले ट्रोल नाइट को मारने पे मिलता है वो हेडलेस ट्रोल नाइट। ये नाम ज़्यादा बढ़िया रहेगा उनके सेरी नहीं है। ओके एक और ये जब तक देखेगा हमें ये सिंका गया। मार को रखा है यहाँ पे होगा तो सही यार कोई साइड ऑफ ग्रेस। ये क्या हुआ? तो एक टेलीपोर्टर, इसके लिए हमें एक स्टोन शॉट की चाहिए लेकिन उससे पहले कोई साइड ऑफ ग्रेस। कितने टेलीपोर्टर्स हैं यहाँ पे? एक यहाँ पे भी है। यहीं पे साइड ऑफ ग्रेस है और यहाँ पे एक ट्रेजर चेस्ट है। ओके बस ट्रेजर चेस्ट लेते हैं फिर खत्म करते हैं। बाकी सब कुछ की किधर कहाँ जा सकते हैं उससे वो बाद में देखेंगे। इम्ब्यूड सॉर्ट की, ये क्या काम की है? ओके तो शायद से हम एक नॉर्मल सॉर्ट की इस्तेमाल नहीं कर सकते इस जगह पे, हमें एक इम्ब्यूट सॉर्ट की इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ओके तो हम सिर्फ एक ही को कर सकते हैं मतलब अभी यहाँ पे है। कितने गेट्स लेकिन
बच गया। तो एक यहाँ पर है, एक वहाँ पर है, टोटल दो है। चेक कर लेते हैं एक सेकंड, इसके हिसाब से देखा जाए पिक्चर के हिसाब से तो चार होनी चाहिए। हाँ एक पूरा। सो एक दो तीन और वो चार। अब देखते हैं कोई क्लूज वगैरह है क्या जिससे हम पता कर सकते हैं। हमारे पास कोई क्लूज नहीं है कि ये कहाँ लेकर जाएंगे। तो यार इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर दे। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं अलग अलग टाइप के गेम्स डाल रहा हूँ अपने चैनल पे, उनको भी ज़रूर चेकआउट करो। तब तक के लिए इतना ही, सायोनारा।